नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज़ बिहार झारखंड। 4 फरवरी दिन गुरुवार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं प्रिया तायल। आज की मुख्य समाचार। रुपेश सिंह मर्डर केस में पुलिस की थ्योरी पर परिवार ने उठाए कई सवाल। जितन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को बताया 9वीं फेल, बोले इतना ज्ञान कहां से लाते हो। रांची में दल बदल मामले में 15 फरवरी को होगी अहम सुनवाई। बाबूलाल मरांडी समेत 3 विधायकों को भेजा गया नोटिस। रुपेश सिंह हत्याकांड पर पप्पू यादव बोले, बॉलीवुड से भी अच्छी कहानी लिखती है बिहार पुलिस। झारखंड सरकार का कलाकारों को तोहफा, बुजुर्ग और बीमार कलाकारों को हर महीने पेंशन देगी सोरेन सरकार। अब खबरें विस्तार से। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड मामले में बिहार पुलिस की थ्योरी को परिवार पचा नहीं पा रहा है। पुलिस के दावे पर मृतक की पत्नी नीतू सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पति और हत्यारे के बीच कभी कोई विवाद नहीं हुआ। नीतू ने पुलिस पर किसी को बचाने और कुछ छुपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले साल 29 नवंबर को उसके पति और हत्यारे के बीच कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। अपने परिवार के लिए न्याय की मांग करते हुए नीतू ने कहा कि उनके पति के वाहन से एक मोटरसाइकिल के टकराने की घटना सही है, पर पुलिस द्वारा जिस तरह का विवाद और झगड़ा होने का दावा किया जा रहा है वह सही नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। जीतन राम मांझी ने सवालिया अंदाज में पूछा कि आखिर 9वीं फेल होने के बावजूद भी वह हर मुद्दे पर सवाल पूछने के लिए ज्ञान कहां से लाते हैं। मांझी ने ट्वीट करते हुए तेजस्वी पर हमला किया और कहा कि तेजस्वी बजट के दिन अर्थशास्त्री बन जाते हैं, ट्रैक्टर रैली के दिन किसान बन जाते हैं, बॉर्डर पर गोली चलने पर सेना विशेषक बन जाते हैं, इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के खुलासे पर जांच अधिकारी बन जाते हैं, वो इतना ज्ञान कहां से लाते हैं। दल बदल मामले को लेकर पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की सरदर्दी बढ़ती जा रही है। बाबूलाल मरांडी, दीप यादव और बिंदु टकरी के दल बदल मामले में 15 फरवरी को स्पीकर के न्याय अधिकरण में सुनवाई होगी। तीनों विधायकों को इसके लिए नोटिस भेज दिया गया है। इस मामले में पिछली सुनवाई 21 जनवरी को होनी थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के कोरोना संक्रमित होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर के नोटिस का जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय भी मांगा था। बिहार के चर्चित रुपेश सिंह हत्याकांड मामले में पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस के मुताबिक रुपेश की हत्या रोड रेज के कारण हुई थी, लेकिन पुलिस की इस बात पर पप्पू यादव ने सवाल उठा दिए हैं। पप्पू यादव ने एक ट्वीट कर बिहार पुलिस और सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, मोटरसाइकिल चोर ने कर दी रुपेश सिंह की हत्या, क्या गजब थ्योरी है। आजकल बॉलीवुड में भी काल्पनिक पटकथा लिखने वालों की कमी हो गई है। वह यह काम बिहार पुलिस को आउटसोर्स कर सकती है, उसे इसमें महारत हासिल है। झारखंड सरकार ने राज्य के शेष 100 बुजुर्गों और बीमार कलाकारों के पेंशन की राशि को बढ़ा दी है। उनके पेंशन राशि 1,000 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की पेंशन राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए वैसे शेष वित्त और अस्वस्थ कलाकार आवेदन कर सकते हैं जिनकी मासिक आय
8,000 रुपये से कम हो। इससे पहले मासिक आय की अधिकतम सीमा 4,000 रुपये प्रति महीने थी। इसके अलावा एक साल में कम से कम 100 कलाकारों को ही ये पेंशन दी जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही, अगली मुलाकात होगी कल। नमस्कार।